वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज हम बना रहे हैं रिस्ट वॉच। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएट न्यू फाइल में गए, तो रिस्ट वॉच कर रहे हैं। सिलेक्शन टूल पे गए, रोलर ले आता हूँ। ये हमारा रोलर आ गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। एलिप्स टूल लिया, एलिप्स टूल ऑल्ट दबा के, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबाया, मैंने शेप क्रिएट किया। ऑफ कर रहा हूँ, फिल को करा ब्लैक, ठीक है। फिल को मैंने ब्लैक कर दिया एंड ऑल्ट दबा के मैं जूम आउट, जूम इन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने कलर मैंने यहाँ से चूज किया, ये कलर, ठीक। अब सेलेक्शन टूल ले गए और मैंने इसको सिलेक्शन के हिसाब से, ठीक है जी, मैंने सिलेक्शन के हिसाब से मैंने, हाँ ये सिलेक्शन किया। और ये मैंने रोटेट टूल पे आया, ऑल्ट दबा के क्लिक किया बीच में, राइट क्लिक माउस का, और यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, कॉपी, कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, सिलेक्शन लिया इनको और यहाँ पे मैं कर दूंगा जी आले, याना सिलेक्शन किया एलिप्स का, हाँ ये, तो ये मैंने लॉक कर दिया लेयर को, ठीक है। अब ऑल्ट दबा के जूम आउट थोड़ा सा, ये हमने ग्रुप कर दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम, इससे मेरे को दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे क्या करना है, आवर्स करना है, मिनट। तो मैं ऑल्ट दबा के जूम आउट, जूम इन कर रहा हूँ, बहुत जूम इन हो गया। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, एक शेप क्रिएट करेंगे और ये मैंने थोड़ा सा जूम इन ऑन कर रहा हूँ, हाँ दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका ग्रे करूँगा। ये ग्रे कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, रोटेट टूल लिया एंड नीचे ले गए और दबा के जूम, राइट क्लिक बीच में, और यहाँ पे लिख दूंगा 6 डिग्री 6, कॉपी एंड ये हमने और दबा के जूम आउट, कंट्रोल डी, ठीक। ये तो हम रेंज वगैरह, सेंड टू बैक, कंट्रोल जी, ग्रुप हो गई ना, ठीक है। रेक्टेंगल की क्या चीज है भाई, रेक्टेंगल क्या है, वो ठीक है, डिलीट करो। अच्छा ये है, तो ये क्या ग्रुप हुई है भाई।
रुको, इसको उठाया यहाँ पे, ये ग्रुप है ना, इसको हटाओ। अब खाली मुझे इतना पोर्शन जो है वो मैं ग्रुप कर रहा हूँ अगेन। ठीक है, ये क्या चीज़ है, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, ये ग्रुप के अंदर आ गई ना। ओके, तो यहाँ पे हम अब हम ठीक है, अब उठाते हैं यहाँ पे और इनको यहाँ सेट कर देते हैं अपने हिसाब से। सेट कर दिया। अब हमें बनाने, इनकी मिनट पर पेन टूल लिया, पॉइंट क्रिएट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन पे गए, ये मैंने माउस से अप कर दिया, तो इसका ये बन गया। और यहीं ये हमने यहाँ पे एक कर दिया। अब यहाँ पे शेप बना रहा हूँ, रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैंने इसको कलर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब मेरे को डायरेक्ट सिलेक्शन लिया अगेन और ये शेप को पूरा क्रिएट किया और शेप मैंने डिलीट कर दिया, ऑल्ट दबा के डिलीट। ये हमारा यहाँ पे डिलीट हो गया। अगेन एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे शेप ऑल्ट दबा के मैंने इसकी कॉपी, एक मिनट, ऑल्ट दबा के मैंने इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करूँगा, अरेंज पे, ट्रांसफॉर्म पे गया, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको रोटेट करूँगा 85 पे, 86 रख देते हैं, -86। ओके, तो ये उठाया मैंने पूरा और यहाँ सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन इसको मैं छोटा करूँगा, स्केल डाउन करूँगा, ट्रांसफॉर्म स्केलिंग, तो स्केलिंग को उठाया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैं ये पार्ट ला रहा हूँ और थोड़ा सा रोटेट। हाँ ठीक है, बराबर, डन, ओके किया। अब मुझे दोनों को सेलेक्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन से, और ये जो पार्ट दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा पार्ट, वो मैं डिलीट करने जा रहा हूँ शेप बिल्डर से। शेप बिल्डर लिया और दबाया और दबाया, ये हमारा हो गया इतना पोर्शन। ठीक है, करूँगा तो शिफ्ट, यहाँ पे खाली मैंने इसका ऑलरेडी ब्लैक है, वो मैं ब्लैक नहीं करूँगा, मैं इसको ऑरेंज, और इसको भी मैं ऑरेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे हो गए दोनों शेप क्रिएट, और ये चीज़ बाहर जा रही है, तो मुझे खाली अगेन पूरा सिलेक्शन लेना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा और स्केल डाउन करना पड़ेगा क्योंकि ये है बहुत बड़ा, तो ट्रांसफॉर्म लिया, स्केल किया, थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, 72, 68 कर देते हैं, बहुत है अपने पे। ओके, तो ये अपनी यहाँ पे मैंने एक और भी छोटा करना पड़ेगा। स्केल डाउन 67। ठीक, ओके, ये अपनी घड़ी का यहाँ पे हो गया। ये मेरी कुछ इस तरह घड़ी का शेप क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, रूलर को हटा रहा हूँ, कंट्रोल आर करके यहाँ से हाइट रूलर हटा रहा हूँ, हाइट गाइड हो गए, ये शेप हमारा कुछ इस तरह तैयार हुआ। अब मुझे बीच में सर्किल क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक सर्किल एलिप्स बना रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा ठीक लग रहा है मुझे, सिलेक्शन लिया और यहाँ पे लाके मैंने फिट कर दिया। ठीक,
यहाँ पे फिट कर दिया। अब मुझे इसका कलर चेंज, इसको सेलेक्ट किया, जो इतना ये पार्ट दिख रहा है ना, शेप बिल्डर लिया और डिलीट एंड डिलीट, डिलीटेड ये अपना, ये इतना मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ये डिलीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं, वाइट नहीं, खाली मुझे इसका कलर चेंज करना है ना, तो डायरेक्ट सिलेक्शन पे गए, यहाँ पे मैंने वाइट कर दिया। तो ये हमारी कुछ इस तरह का, थोड़ा सा और महीन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि मैं इसको कलर फिल कर रहा हूँ ग्रे में, ठीक, ग्रे फिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये सेलेक्ट किया, ठीक, एंड ये सेलेक्ट किया, ठीक, और फिर अगेन मैंने ये सेलेक्ट किया एंड ये सेलेक्ट किया। तो ये मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ये भी कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा मैं और महीन कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे ये कलर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे ये कलर, ठीक। एंड अब हम इसको सेलेक्ट किएंगे यहाँ पे, इसको हम करेंगे कलर चेंज, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह हो गया। इसको मैं अरेंज, ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, रोटेशन मैंने इसको यहाँ लगा दी, ठीक है, ये -159 पे ओके किया। एंड अगेन स्केल डाउन करूँगा मैं, ट्रांसफॉर्म, स्केल इट, ठीक है, ओके 63 किया, और इसको मैं ला के यहाँ लगा दूंगा, ठीक, ये अपनी यहाँ पे आ गई। इसको मैं हिलाना चाहूँ तो मैं अब हिला, अनलॉक किया, यहाँ पे मैं कलर ग्रे डालूंगा, ठीक है, एंड ये कलर उठाया यहाँ पे, यहाँ रख दिया मैंने, ये मैंने उठाया, बीइंग इन फ्रंट किया अरेंज से, और ये उठा के मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक। ये थोड़ा सा मैं उठाओगे पूरा, ये अपनी यहाँ तक तैयार हो गया, ठीक। अब ये मैंने रिश्वास तो तैयार कर दी, इधर मैं दिखा दूँ आपको, ये अपनी तैयार है। अब मैं इसका टेक्स्ट में गए, स्टाइलिश में गए, ड्रॉप शेडो 75% की जगह मैं कर दूंगा 50%, 50% ओके ओके, यह अपनी यहाँ तक हो चुका। और अब इसको मैं पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया वॉच बेस, यहाँ लिखा वॉच, ठीक है, ये तो हमने डाल दिया। अब इनको हमने सेलेक्ट किया पूरा, यहाँ उठा लिया। अब क्या करना है, दोबारा सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ अगेन,
ठीक है, एंड शेप क्रिएट किया, रेक्टेंगल लिया, ठीक। और मैं इसकी कॉपी लूंगा, ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबा, एक मिनट, ऑल्ट दबाया इसकी, एंड अब इसको मैं सेलेक्ट किया, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अब शेप बिल्डर टूल से मैंने इसको, ठीक है। अब मैं हम बीच चलेंगे, क्योंकि हमें बीच में यहाँ पे ये यहाँ पे हमने लाया, ठीक। अब इसका हम कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसका हम कर रहे हैं ग्रे, ठीक। एंड अब इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट दबा के मैंने इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको पूरे को सेलेक्ट किया, और हमने शेप बिल्डर टूल लिया, और अब ये अपना मैंने इसको काटा और ये काटा, ये हमारे घड़ी का वेव बन गया। यहाँ पे अब ये नहीं दिख रही, तो अरेंज अरेंज पे गए, ब्रिंग टू फ्रंट, ये हमारी घड़ी कुछ इस तरह बन गई, ठीक है। ये हमारी अरेंज हो गई इस तरह, ठीक। अब जैसे ये चीज़ थोड़ी आपको चौड़ी लग रही होगी, शिफ्ट के साथ मूव, एंड इसको मैंने यहाँ से सरका दिया, ठीक है, इतनी ठीक है। और ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ सिलेक्शन किया, ठीक, और फिर मैंने इसको यहाँ सिलेक्शन किया, ठीक है, डन। ये मैंने थोड़ा सा सिलेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल टूल लेते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल रेक्टेंगल टूल ले लिया। अब क्या करना है, मैंने ऑल्ट दबा के मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन पे गया, इसकी ऑल्ट दबा के मैंने कॉपी ले ली, ठीक। इसको यहाँ रख देता हूँ, बाद में इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ऑल्ट दबा के मैं, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट लग रहा है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूँ मैं अपना गाइड ऑन कर रहा हूँ, कंट्रोल एच, बकल बकल बना रहा हूँ, तो मैं शेप बिल्डर नहीं, हाँ रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। और अब सिलेक्शन टूल से मैंने सेलेक्ट किया, एंड इसी की कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट दबा के और इसकी कॉपी, और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट किया दोनों को, डायरेक्ट सिलेक्शन से ओके, तो मैंने इसको उठाया यहाँ पे, ठीक। अब मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और शेप बिल्डर पे गए, और मैंने इसको इतना पार्ट, ये थोड़ा सा और काटना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अगेन, ये पार्ट को डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने सेलेक्ट किया, इसको ये पार्ट को सेलेक्ट किया, और ये मैंने थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये उठाया मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है।
सा ऊपर करो। हाँ बस, थोड़ा स्केल कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म किया एंड स्केलिंग, बस ठीक है। 122 है, ओके है, ज्यादा बड़ा नहीं करना मुझे, ठीक है। ये हो गया अब, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, बस इतना सा। और डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन लिया मैंने इस पे, शेप बिल्डर लिया, ये कट एंड ये कट, ठीक। अब मेरे को क्या करना है कि जो पोजीशन है, ज्यादा बड़ी नहीं करनी मुझे, ठीक है। हाँ ठीक। अब मैं ये कलर ब्लैक करूंगा, ये ग्रे है, तो अब जो आएगी ब्लैक पूरा, ओके डन। एंड अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर डिजाइन, रेक्टेंगल लिया, ठीक है। एंड स्ट्रोक्स पर गए, डैश लाइन, डैश लाइन फोर कर दी, ठीक। और मैंने इसका कलर, मुझे इसी शेप में चाहिए, तो ऑफ ऑब्जेक्ट में जाओ, ऑफ पाथ, ऑफसेट पाथ, और -10 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो उठाया मैंने यहाँ बाहर कर दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पे गए, इसको सेलेक्ट होना, सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे गए, पाथ पे गए, ऑफसेट पाथ किया, और प्रीव्यू पे मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स में मैं लगा दूंगा डैश लाइन, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर डैश लाइन होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया। अब मुझे यहाँ पे सर्कल चाहिए होगा, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, एलिप्स टूल लेंगे, ओके ओके कर दिया, इसको पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक। और ये दोनों को उठाया मैंने यहाँ पे, ग्रुप कर दिया इनको, कंट्रोल जी, इनको इनको मैंने सिलेक्शन से इनको यहाँ पे ग्रुप कर दिया, ठीक है। इन दोनों की ऑल्ट कॉपी दी और इनको यहाँ लगा दिया, ठीक। ये यहाँ लग रहा है, ये उठाई अगेन यहाँ कॉपी, ये हो गया आपके यहाँ पे। और मेन थोड़ा सा ये है, हाँ ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, तब तक ले, बाय बाय। आप